है वो MCQs होते हैं, 5 जो है क्लब्स की फॉर्म में आते हैं और 5 जो है वो assertion वाले आते हैं। और ये जब मेरे MCQs की वीडियोस ख़त्म हो जाएगी फिर मैं उसके बाद assertion वाले क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊँगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल विद डिज़ायर करेक्टर बाय मैन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेलेक्शन। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो होता है जो नेचर के थ्रू होता है, अपने आप होता है। आर्टिफिशियल जो हम लोग लेकर आते हैं। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसमें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट उनका फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ऐसे ऑर्गन को हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फॉर लिम्स ऑफ अ बर्ड एंड अ विंग्स ऑफ अ बैट। इनका ओरिजिन सेम है बट इनका स्ट्रक्चर भी सेम है बट इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं दोनों के, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वॉज गिवन बाय। ये जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी डार्विन ने। तो राइट आंसर इज बी, ओके, बी इज द राइट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनिस दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। अब जब भी आपको ये क्रॉसेस करवाए जाते हैं ये आपके डोमिनेंट करेक्टर होते हैं और ये रिसेसिव होते हैं, ठीक है। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो आपके ऐसे आप टेबल बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, टी टी लगा लो, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इनका रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट आता है 3:1 की रेशो में आते हैं जिसमें डोमिनेंट 3 होते हैं और रिसेसिव में 1 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। इसके अंदर जो भी F1 प्रोजेनी में आएंगे वो सारे के सारे टॉल प्लांट होंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन द जायगोट ऑफ अ ह्यूमन बींग। ऑटोसोम में जो है पेयर होता हमारे ऑटोसोम में होते हैं 22 पेयर, ठीक है, और 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम का एक पेयर होता है। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज अ जायगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ। जो फादर से एक्स क्रोमोजोम आता है, क्योंकि फादर के अंदर जो होता है वो एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम होता है और फीमेल्स के अंदर क्या है, वुमन के अंदर होता है एक्स और एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोजोम फादर से आता है तो एक क्रोमोजोम वुमन से आएगा तो आपका क्या है, ये बेबी गर्ल के चांसेस हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरी अ वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। मैन का ब्लड ग्रुप ए है और वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो चांसेस क्या होंगे, 50-50 होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ओ ओनली, ए ओनली ए बी, या फिर इक्वल चांसेस ऑफ अक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए। तो राइट आंसर इज बी, ये डी, सॉरी डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो वो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या फिर ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड से रिलेटेड, मैं बच्चों एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाली हूँ तो इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट कि वो फैक्ट आपको पता चल सके। इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटे। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड लुक अलाइक। ऑल आर टॉल एंड राउंड सीड, ऑल आर शॉर्ट विद राउंड सीड, ऑल आर टॉल विद रिंकल्ड सीड, ऑल आर शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड। अब आपको ये देखना है बच्चों, देखो टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड लुक अलाइक। तो फर्स्ट में आपका क्या है, देखो टॉल टॉल राउंड, ओके, एंड शॉर्ट प्लांट टी टी एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड में शॉर्ट फॉर्म। तो फर्स्ट प्रोजेनी में आपके क्या आ जाएंगे, ऑल आर टॉल विद राउंड सीड, फर्स्ट प्रोजेनी में आपका आंसर होगा ए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट
द सीड्स प्रोड्यूस इन एफ एन प्रो जनरेशन इज, अब बताओ क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन या फिर रिंकल एंड येलो। अब इसमें डोमिनेंट क्या कर रहा है, आर 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 किसके लिए है, इसमें आर है आपके राउंड के लिए, ठीक है। और वाई वाला जो है वो किस चीज़ के लिए है, वो है आपका रिंकल्ड के लिए, ठीक है, रिंकल्ड के लिए। तो इसमें रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। अब इसमें देख लो कहाँ पर है राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड 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 ये रहा और येलो, राउंड एंड येलो, सॉरी, तो राउंड एंड येलो इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ टेंथ क्वेश्चन इज द ह्यूमन स्पीशीज हैज जेनेटिक रूट्स इन, जो ह्यूमन स्पीशीज की जेनेटिक रूट है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, वो आपके है अफ्रीका से रिलेटेड, तो राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल ऑफ ब्रोकली, आजकल जो ब्रोकली हम लेते हैं उसका एसेंशियल कौन सी है, इसमें है उसका एसेंशियल है वाइल्ड कैबेज, द राइट आंसर इज सी। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट कम हेयर, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो है बच्चों वो क्या है, ए पॉजिटिव जो होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है उसमें गुड लीडरशिप की क्वालिटी प्रेजेंट होती है, ए नेगेटिव हार्ड वर्किंग, बी पॉजिटिव कैन गिव अप फॉर अदर्स, बी नेगेटिव नॉन फ्लेक्सिबल सेल्फिश एंड सैडिस्टिक, ओ पॉजिटिव बॉर्न टू हेल्प एंड ओ नेगेटिव नेरो माइंडेड, ए बी पॉजिटिव वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ए बी नेगेटिव शार्प एंड इंटेलिजेंस। अब जिन जिनका ये ब्लड ग्रुप है आप जो है वो देख सकते हैं कि भी आप में कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट है। नाउ द 12th क्वेश्चन, और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर उसको आपने ऑल के ऊपर नहीं क्लिक किया तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और मेरी जो वीडियोज है उनकी अपडेट आपको नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोज, ओके। नाउ 12th क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज वेयर बाय कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस आर पास्ड ऑन टू देयर ऑफ स्प्रिंग एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक विच डू नॉट हेल्प आर नॉट पास्ड ऑन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सेलेक्शन, स्पेशलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या फिर नेचुरल सेलेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Identify the two organism which are now extinct and are studied from their fossils. ऐसे कौन से दो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो जिनके फॉसिल जो है वो स्टडीज के लिए यूजेस किए जाते हैं, वो है आपके डायनासोर एंड फिश, ओके। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट या बोथ स्पर्म एंड ओवम या फिर मदर, वो डिसाइड करते हैं आपके बोथ स्पर्म एंड ओवम, ओके। सो सी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज नॉट द राइट आंसर, सेक्स जो है डिटरमाइन डिसाइड करता है वो करता है मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आंसर इज, इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, थोड़ा गलत बोल चुकी थी इसलिए सॉरी, आंसर इज ए। नाउ 15th क्वेश्चन इज प्योर ब्रीड पी प्लांट ए इज क्रॉस्ड विद प्योर ब्रीड पी प्लांट बी, इट इज फाउंड दैट द प्लांट व्हिच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन बट री इमर्ज इन F2 जनरेशन, व्हिच ऑफ द प्लांट ए एंड बी आर टॉल एंड ड्वार्फ, ए इज टॉल एंड बी इज ड्वार्फ, ए इज टॉल एंड बी इज आल्सो टॉल, ए इज ड्वार्फ and B are also dwarf, A is dwarf and B are tall, तो इसमें आपका आंसर होगा A is, इसमें आंसर है A are dwarf and B are tall, this is the right answer, क्योंकि इसमें देखो बच्चों क्या है, क्या बोला है, pure breed plant A is crossed with pure plant B, A और B का cross करवाया जाता है, it is found that plant which look लाइक ए डू नॉट अपियर इन F1 जनरेशन बट री इमर्ज इन F2 जनरेशन, विच ऑफ द प्लांट ए एंड बी आर टॉल एंड ड्वार्फ, कौन से टॉल होंगे कौन से ड्वार्फ होंगे, फर्स्ट जनरेशन में ए जो है वो ड्वार्फ हो जाएगा फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेट हो जाएगा, तो ए इज ड्वार्फ बी इज टॉल, द राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस इफ जीन्स बी गिव्स
ब्राउन आई एंड जीन्स बी ये ब्लू आईज ठीक है. व्हाट विल बी द कलर ऑफ आईज ऑफ द पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन तो उनका क्या कॉम्बिनेशन होगा. इफ जीन बी अगर आपको ब्राउन आईज देता है ठीक है ब्राउन आईज एंड जीन बी स्मॉल बी जो है वो आपको ब्लू आईज ब्लू कलर देता है ओके. व्हाट विल बी द कलर ऑफ आई ऑफ द पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन अगर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें आपका बनेगा पहले आपका ब्राउन बनेगा देन आपका ब्लू बनेगा तो इसमें राइट सॉरी इसमें आपका आंसर होगा सी ब्राउन एंड ब्राउन क्योंकि ब्राउन जो कलर है वो डोमिनेंट कर रहा है और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव है तो रिसेसिव शो नहीं होता डोमिनेंट कलर शो होता है तो आंसर इज सी राइट आंसर इज सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट अ रेशियो ऑफ 9:3:1 फॉर 4 पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या फिर FM जनरेशन दिस इज द रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड में रेशियो आपकी आती है 3:1 ठीक है तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड. Now the next question is which of the following character can be acquired but not inherited. वो कौन सा character है जिसको हम acquire कर सकते हैं inherit नहीं कर सकते तो वो color होगा आपका वो होगा आपका size of the body. आप color of skin जो है वो हमें parents से मिलता है color of eyes जो है वो भी हमें inheritance से मिलता है texture of hair है वो भी हमें inheritance से मिलता है सिर्फ जो size of body है उसको हम acquire करते हैं तो right answer is B. Now, 19th question is those organ which have the same basic structure but different function are called उनको ऐसे organs को हम बोलते हैं homologous organ ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. So right answer is C. Now next question those organ which have different basic structure but have similar appearance and performers similar function are called इनको ऐसे organ को हम बोलते हैं analogous organ जिनका क्या है कि स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है सिमिलर अपीयरेंस होती है बट उनका फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन राइट. नाउ 21st क्वेश्चन द रीमैप और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल और प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज फॉसिल्स नेचुरल सिलेक्टेड स्पीशीज या फिर नन ऑफ द अबव ऐसे को बोलते हैं हम फॉसिल्स ठीक है सो बी इज द राइट आंसर ओके. Now 22 questions, last question. The process by which new species develop from the existing species is known as evolution, natural selection, artificial selection या फिर species specialization. तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे specialization. ठीक है? D is the right answer. So